जितने भी हमारे साथ आए, जितने भी साथी हैं पहचान के, आज अभी आप सभी को विदित है कि आज डॉक्टर महात्मा गांधी जी की जयंती है और आज ये जितने भी लोग आप लोगों के बीच में आए हैं, ये केवल जो भाजपा सरकार निकलने सरकार है, जिसने देश की जो मजबूत रीढ़ होती है किसान, उसको मारने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है। इस सरकार ने जो तीन ऐसे कानून पास किए हैं जो किसानों को बर्बाद कर देंगे, और इन किसान जो बोलने वाली जनता है बेचारा खेत में काम करके कमा करके इनका पेट भरता है पूरे देश का, उनके साथ दगा कर रहे हैं। तो आज इसी उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है इस चीज का विरोध करती है। इन जो तीन जो बिल पास किए हैं इस भाजपा निकलने सरकार ने, इन सब का विरोध करती है। और इसी आज जो महात्मा गांधी जी की जयंती है, इसी पक्ष में पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मेरा अनुरोध आप सभी से है कि आप इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें, ताकि जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, आपकी अपनी पार्टी है, हमेशा से किसान देशी वर्ग, चाहे मजदूर हो, किसान हो, आम आदमी हो, गरीब हो, उन सब के लिए हमेशा मददगार रही है। लेकिन जब से ये भाजपा सरकार बनी है, इन्होंने केवल मजदूर हो, गरीब हो या किसान हो, उसको मारने का काम किया है। तो मेरा सिर्फ सब आप सबसे यही अनुरोध है, आप गांव गांव जाके, घर घर जाकर के, और इनका इलाज केवल किससे होगा, इनका इलाज आप धरना प्रदर्शन करके जिस दिन वोटिंग होगी वोट आप अपना कीमती वोट के द्वारा इनका इलाज कर सकते हैं। तो इसी पक्ष में आज जो हमारी कांग्रेस पार्टी है वो किसानों के लिए धरना प्रदर्शन कर रही है, और इसी पक्ष में ताकि आप लोगों का बात है वो जो तानाशाही लोग हैं इनके तक पहुंच सके, और ये आप लोगों को जो बिल पास किए हैं इनको वापस ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी का यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। पूछे कि जो बीजेपी है वो पूछे के मतलब मुद्दों में भटकाने की बात कर रही है, जैसे उन्होंने एक बार कहा है, ये मीडिया पर हर जगह चल रहा है। अभी कांग्रेस पार्टी भी इन कानूनों के साथ थी, और उनके मैनिफेस्टो के पेज नंबर 17 में बताया गया है, परंतु कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में जो बात थी उनने कहा था कि हम MSP को कानूनन लागू करेंगे, इसमें कानून। कांग्रेस की सिर्फ ये मांग रही है, अगर भाई यदि ये कानून बहुत जरूरी है इस देश के लिए तो आप MSP गारंटी कर दें, उस कानून में MSP लिख दें। अब इस बाजरा जैसे 2150 रुपए का भाव है, 2150 रुपए क्या सभी का बिक रहा है? नहीं बिकता, 1300-1400 रुपए। कपास का 5800 रुपए रेट है, कहीं कोई 4500-4500-4500 रुपए दे रहा था। तो ये आप कोई भी बीजेपी समर्थक कोई भी ये बात कहे, अगर भाई कांग्रेस इसमें लागू करना चाहती थी, बिल्कुल नहीं, कांग्रेस का ये था अगर भाई इसके में MSP हम कानूनन देंगे और मंडियों को बढ़ाएंगे। आने वाले समय में 17-1800 मंडी और बढ़नी थी, उनके मैनिफेस्टो में था। दूसरा जो ये तीन कानून जैसे आए हैं तो इनमें एक तो ये MSP का नाश करना है, इनमें MSP पर कोई चीज नहीं बिकेगी। कह रहे हैं हमने किसान को आजाद कर दिया, किसान पहले भी अपनी फसल कहीं भी बेच सकता था। अच्छा ये कह रहे हैं अभी वन मार्केट वन नेशन, वो 3 दिन पहले उसमें मनोहर लाल खट्टर ने यूपी के किसान थे वो हरियाणा की मंडियों में बेचने के लिए आ रहे थे, वो उस पर रोक लिए। एक तरफ तो केंद्र की सरकार वन नेशन वन मार्केट की बात करती है और उसी पार्टी का मुख्यमंत्री किसानों को रोकता है। अच्छा इस देश में 85-86% किसान है वो 2 हेक्टेयर मतलब 5 एकड़ से कम के जमींदार है, जिनमें से 80% वो 1 हेक्टेयर ही छोड़ी। आगे कोई आदमी बड़े, ये सिर्फ 5-10 बड़े लोगों के लिए किया जा रहा है। अच्छा अब एक तरफ तो ये कह रहे थे कि हम उसका जो
एसेंशियल कमोडिटी जो जरूरी वस्तु है उनका बंद कर देंगे, परंतु जब नासिक के किसान के प्याज 10 रुपए किलो के बढ़े तो उनने उसका निर्यात बंद कर दिया। वहां भी उस किसान को चोट लगी है। हमारे यहाँ तो प्याज का इतना होता नहीं, हम तो इतनी जरूरत के मुताबिक कोई गोवाबाजी करते हैं, पर तो आप तो कहीं फंसा देंगे भाई मेरे। तो इन तीनों कानून का जबरदस्त आपने विरोध करना है, जब तक ये वापस नहीं हो जाए तब तक ये मामला चलता रहे। कोरोना काल में आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। मोदी जी 970 करोड़ रुपया का बख्तरबंद जहाज लिया से, इसने के इकट्ठा है भाई 970 करोड़ का। अभी 862 करोड़ की नई संसद बना रही, जहां बैठो लोगों के पास कुछ है नहीं, आदमी ले लेगा क्योंकि मंडी का टैक्स भी खत्म हो जाएगा। अगर बाहर खरीदो सारे व्यापारी, ये तो MSP, ये तो थोड़ा ड्रामा है क्योंकि नया नया आया है। पंजाब हरियाणा का 17,000 तो एजेंट है, यहाँ 17,000 तो व्यापारी है हरियाणा में रजिस्टर्ड है, 28,000 पंजाब में है। सारे हरियाणा और पंजाब जो केंद्रीय पूल है जिसमें गेहूं और धान की खरीद हो है, वो सभी की सभी पंजाब हरियाणा से ही होती है। तो भाई मेरे, आप इन कानूनों का सख्त खिलाफत करें, ये आपके लिए अच्छे नहीं है। और ये कोई कांग्रेस की बात करते हैं, अभी कांग्रेस भी ये लेना चाहती थी, कांग्रेस इसने MSP का कानूनन दर्जा देने की बात थी उनके मैनिफेस्टो में। यदि ये आज भी कर दें तो हम आप उसका समर्थन भी कर सकते हैं, परंतु ये करेंगे नहीं। ठीक है, धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। श्रीमती किरण चौधरी के आदेशानुसार हम सब किसान भाई कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं महात्मा गांधी की जयंती के ऊपर। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर किसानों के खिलाफ जो 3 बिल पास हुए हैं उनको वापस लेने के लिए धरने और प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन का मतलब योग किया है। इसलिए मेरी सभी भाइयों से प्रार्थना है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है कि आप बाजार में से होकर के तिकोने पर के साथ चौधरी सुरेंद्र सिंह की मूर्ति प्रतिमा के पास, वहाँ अपना ये प्रदर्शन खत्म होगा। इसलिए आप 60-60 किलोमीटर से आए हो, आप सभी भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आप सारे बाजार होकर के चलोगे, 5 कितने ट्रैक्टर है, वह ट्रैक्टर में 5-5 आदि बैठ करके और साथ नारे लगाते हुए BJP सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस का हाथ किसान के साथ और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और ये जो मूर्तियां हैं मतलब महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की, आपने ये गाना भी सुना है, आज के दिन तो फूल खिले थे जिनसे बन गया हिंदुस्तान, एक का नारा अमन और दूसरा जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, श्रीमती किरण चौधरी जिंदाबाद। और सभी भाई साथ ने भाई कोई दूसरा ना खिसक जाए, तुम आए हो इसके लिए तो एक बार बाजार में जो होकर के चलना है, आगे ट्रैक्टर पीछे आओ। धन्यवाद। सब इकट्ठे होकर के वही जा रहा है और वही पत्रकार मोदी जी का पुतला का वो करना है। सभी से मेरी प्रार्थना है तो फिर मत बदल करके सारे इकट्ठे होकर के वापस करके जा रहा है भाई। जय हिंद। धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, BJP सरकार।
कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता मजदूर नहीं, किसान एकता पेट्रोल पानी नहीं चलेगी, मजदूरी नहीं चलेगी, पत्रकारी नहीं चलेगी, किसान एकता किसान एकता
अपनी सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, व्यापारी एकता, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, दुश्मन ठिकाना, दुश्मन ठिकाना, बीजेपी सरकार, खट्टी सरकार नहीं चलेगी, दुश्मन ठिकाना, दुश्मन ठिकाना, दुश्मन बनेगा, दुश्मन बनेगा, खट्टी सरकार, मैं तो तेरी कमर खुदागी, मैं तो तेरी कमर खुदागी, मैं तो तेरी कमर खुदागी, दुश्मन ठिकाना मुर्दाबाद, दुश्मन ठिकाना मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, व्यापार भारी एकता बाद, एकता जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, खट्टर सरकार हो बर्बाद, खट्टर सरकार हो बर्बाद, मोदी सरकार हो बर्बाद, खट्टर मर गया, खट्टर मर गया, सुशांत मर गया, सुशांत मर गया, मोदी मर गया, मोदी मर गया, चौधरी बंसी ने, दुश्मन मर गया, हाय हाय, दुश्मन मर गया, हाय हाय, खट्टर मर गया, हाय।
बताऊं।